आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आठ नवंबर 1966 एक असाधारण महिला स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वरी नेहरू की पुण्यतिथि है। माताजी कहकर पुकारे जाने वाली रामेश्वरी ने महिलाओं को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में महिला आंदोलन के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। रामेश्वरी नेहरू का विवाह मोतीलाल नेहरू के भतीजे ब्रजलाल नेहरू से हुआ था। रामेश्वरी नेहरू ने अपनी इस भूमिका की शुरुआत प्रयागराज के आनंद भवन से की थी। ये भवन महिलाओं के मुद्दों के लिए संघर्ष और मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि था। रामेश्वरी नेहरू ने हिंदी में पहली महिला पत्रिका स्त्री दर्पण की शुरुआत 1909 में इलाहाबाद से की थी। स्त्री दर्पण के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। रामेश्वरी नेहरू महिला भारत संघ और ऑल इंडिया वेमेन कॉन्फ्रेंस की सक्रिय सदस्य थी। उन्होंने वैश्यालयों से छुड़ाई गई महिलाओं को आश्रय देने के लिए नारी निकेतन शुरू किया था। ब्रिटिश सरकार ने जब 1928 में शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़कियों की सहमति की आयु तय करने के बारे में एज ऑफ कंसेंट समिति बनाई तो रामेश्वरी इसमें एकमात्र भारतीय महिला सदस्य थीं। इस समिति की रिपोर्ट ने ही बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की नींव रखी। महिलाओं के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हिमायत करने वाली रामेश्वरी ने कहा था, उस देश के लोग स्वराज हासिल नहीं कर सकते जिनकी आधी आबादी पक्षाघात की स्थिति के समान निष्क्रिय कर दी गई हो। स्वराज की लड़ाई पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से लड़नी होगी और जीतनी होगी। आजादी के बाद रामेश्वरी ने उन लोगों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो विभाजन के आघात के कारण पलायन कर गए थे। 1955 में भारत सरकार ने रामेश्वरी नेहरू को विशेष रूप से विधवाओं, अनाथों, बच्चों और बुजुर्गों के पुनर्वास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें 1961 में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आज हम तमिलनाडु के मारुथु बंधुओं की भी चर्चा करेंगे। पेरिया मारुथु और चिन्ना मारुथु का जन्म मुक्का पलनीसामी थेवर और पूनथा के घर हुआ था। इनके पिता मुक्का पलनीसामी थेवर शिवगंगा साम्राज्य के दूसरे राजा बने थे, लेकिन मारुथु बंधु अधिक समय तक महल में नहीं रह पाए। ये दोनों 20 साल की आयु ही पार कर पाए थे कि आरकोट के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के साथ मिलकर राजा और रानी को मार डाला। मारुथु बंधु बच निकले, लेकिन कई वर्षों बाद वापस आए और भीषण युद्ध के बाद किले पर फिर दावा किया। ये 1857 के सिपाही विद्रोह से 50 साल से भी अधिक समय पहले मारुथु पांड्यार भाइयों ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया था। 16 जून 1801 को इन्होंने तिरुची किले से स्वतंत्रता की घोषणा जारी की और सभी जातियों तथा समुदाय के लोगों को यूरोपीय वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ताबड़तोड़ हमले किए तो कंपनी ने अपना विशाल बल भेजकर दोनों भाइयों को पकड़ लिया और उनके सैकड़ों समर्थकों को मार डाला। 24 अक्टूबर 1801 को
पेरिया मारुथु और चिन्ना मारुथु को दक्षिणी तमिलनाडु के तिरुपुथुर किले में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। उनके साथ उनके सभी साथी विद्रोहियों, सेनापतियों, सेवकों, उनके बेटों और यहां तक कि उनके पोतों को भी फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लगभग 500 लोगों को फांसी दी गई थी। इस सामूहिक फांसी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके सहयोगियों ने भारत के दक्षिणी राज्यों के उस भीषण विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की जिसका इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में बमुश्किल उल्लेख मिलता है। मारुथु बंधु वायु गति विज्ञान में माहिर थे। उन्होंने भाले और वालारी के कई रूपों का भी आविष्कार किया। मारुथु बंधुओं ने उपनिवेशवाद के प्रारंभिक चरण के दौरान भारत में गुरिल्ला युद्ध रणनीति की भी शुरुआत की। उनके सम्मान में अक्टूबर 2004 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। हर साल लोग अक्टूबर में कालियार कोविल मंदिर में मारुथु पांडियार गुरु पूजा करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।